हेलो फ्रेंड, मैं सुशीला आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल सुशीला टेरिस गार्डन में। फ्रेंड, मैं आज सीड हार्वेस्टिंग कर रही थी तो मैंने सोचा कि लाइए आपके लिए भी एक वीडियो बना दे। तो देखिए फ्रेंड, आज मैं सीड हार्वेस्टिंग कर रही हूँ और ये मैं जो है जो सीड हार्वेस्टिंग कर रही हूँ वो जो है मैं दो प्लांट की सीड हार्वेस्टिंग कर रही हूँ। एक तो ये देखिए, ये आलमांडा कितना खूबसूरत खिल रखा है मेरा आलमांडा, और इस पे सीड्स थे तो वो अब पक गए हैं तो मैंने उनके आज हार्वेस्टिंग की। और एक जो है मैं ये जेरेनियम की हार्वेस्टिंग करूँगी। ये दोनों प्लांट मेरे एक ही पास में है। तो फ्रेंड, इसकी जो है ये देखिए कितना प्यारा फूल खिल रखा है। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे फूल खिल रखे हैं मेरे एडेनियम पे, और बहुत ज़्यादा इस पे जो है बर्ड्स निकल रखे हैं। हर उस पे जो है इस पे देखिए फ्लावरिंग हो रही है, देखिए एडेनियम पे हर जगह। तो ये देखिए, ये छोटे से पॉट में लगा है मेरा। ये देखिए रूट बाउंड हो गया है और ये पॉट फट गया है। अब मुझे इसके लिए नया पॉट लाना पड़ेगा, फिर मैं इसको रिपोर्ट करूँगी। लेकिन देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है मेरा एडेनियम का प्लांट। अभी ये इसको ख़रीदे हुए मुझे साल भर भी नहीं हुआ, मई जून में होगा साल भर इसको लिए हुए। और देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है, कोई शिकायत नहीं मिली मुझे इसमें। बहुत अच्छी जो है इसने जो है फ्लावरिंग की, पहले भी की थी और अब तो ये भर भर के गुच्छों में फ्लावरिंग कर रहा है। और इस समय इसका सीज़न चल रहा है तो देखिए कितनी अच्छी फ्लावरिंग कर रहा है। तो फ्रेंड, इस पर जो है सीड्स लगे थे यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर दो सीड्स लगे थे, मैंने ये हार्वेस्ट कर लिए थे। ये देखिए सीड्स, और ये जो है ये फट रहे थे, देखिए उड़ रहे, अभी हवा हुआ चल रही है तो ये फट गए थे। और फिर मैंने इनको बांध भी दिया था, लेकिन देखिए फट गए, सीड्स उड़ने लगे थे तो मैंने कहा इनको हार्वेस्ट कर लेंगे, तो इसलिए जो है मैंने हार्वेस्ट कर लिया इसको। और इस पे भी सीड्स जो है, ये जेरेनियम पे भी सीड्स जो है, इनके भी सीड्स ये देखिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए इनके सीड्स भी जो है उड़ने लगे हैं, ये देखिए ये सीड्स देख रहे हैं आप, ये सीड्स इनके निकलने लगे हैं। वही मैं अभी इधर पत्ते उत्ते इधर वो साफ़ कर रही थी तो देखे मैंने कहा अरे इसके तो सीड्स उड़ने लगे हैं। तो ये देखिए ये सीड्स हैं इसके, ये ऐसे सीड्स उड़ते हैं। तो मैंने कहा इनको हार्वेस्ट कर लेते हैं जेरेनियम के सीड्स। मैंने फ्रेंड इनको काटा नहीं था, इनमें खूब कुछ खूब फ्लावरिंग हुई थी और उसके बाद इनमें सीड पॉड्स बनने लगे थे। ये देखिए सीड पॉड्स जो होते हैं, ये देखिए सीड पॉड्स कितने सारे, ये देखिए इनमें हरे हरे हो रखे हैं सीड पॉड्स हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि सीड्स बनने देते हैं, फ्लावरिंग तो होती रहेगी, हो रही है फ्लावरिंग भी देखिए अच्छा। और पहले छोटे से पॉट में था, मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था, इस बड़े वाले पॉट में कर दिया 10 इंची के। तो ये देखिए इसकी जो है बहुत अच्छी, इस पर ये देखिए कितने सारे इस पर सीड्स बन रहे हैं। और ये देखिए इस पर से तो सीड्स सारे जो है उड़ रहे हैं, ये देखिए ये सीड्स। ये देखिए इसके सारे सीड्स जो है, ये देखिए ये हवा चल रही है, हवा से उड़ा जा रहे हैं ये आराम से ही। ये देखिए इसके सीड्स है जेरेनियम के सीड, देखिए ये देखिए इधर से उड़ रहे हैं। ये देखिए कितने निकल रखे हैं, ये देखिए इधर देखिए इनमें से सीड्स जो है बाहर निकल रहे हैं ये, और ये हवा से उड़ा जाते हैं बहन फ्रेंड। इसलिए जब अगर आप सीड्स बना रहे हैं तो इन पर ध्यान दीजिए, ताकि जो है आप इनको कलेक्ट कर सकें और फिर जो है इनको अगले साल के लिए बो सके। और फिर न्यू प्लांट जो है सितंबर अगस्त सितंबर में फिर इनको बोया जाएगा, फिर ये जो है सर्दियों के लिए प्लांट तैयार हो जाएंगे। तो फ्रेंड, मैं जो है इनकी हार्वेस्टिंग करती हूँ, फिर जो है आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, मैंने कुछ सीड हार्वेस्ट कर लिए, अब ये कुछ में है दो चार एक दो दिन मैं देखती रहूँगी। अभी ये सही से पके नहीं हैं तो ये सही से पक जाएंगे, तब मैं इनकी भी हार्वेस्टिंग कर लूँगी। और ये देखिए फ्रेंड, मैंने इतनी हार्वेस्टिंग की है, ये देखिए ये हार्वेस्टिंग की है। ये सूख गए थे इनके तने, ये देखिए। तो ये देख रहे हैं जैसे एडेनियम के होते हैं ये सीड, ऐसे ही इनके भी होते हैं। ये देखिए जैसे एडेनियम पे ये होते हैं एडेनियम के सीड्स, ये देखिए एडेनियम के सीड्स ऐसे जो है इसके सीड्स भी होते हैं एडेनियम की तरह। ये देखिए एडेनियम की तरह ही होते हैं। ये देखिए आगे ये इस तरह वाइट वाइट कलर की सांता क्लॉस के जैसे ये बाल होते हैं आगे। तो फ्रेंड इतने सीड्स मैंने हार्वेस्ट किए और इनको जो है मैं कागज़ पे जो है न्यूज़पेपर पे रैप करके रख दूँगी और फिर जो है अगस्त सितंबर में इनको बोऊँगी।
तो फ्रेंड देखिए मेरी हार्वेस्टिंग, इस समय मैंने हार्वेस्टिंग भी कर लिया। आज आपको हार्वेस्टिंग की वीडियो दिखा ली अपने। ये देखिए ये मेरा गुलाब का प्लांट, देसी गुलाब बढ़िया खिल रहा है। ये देखिए गुलाब खिल रहे हैं, चाइनीज ऑरेंज लगे हैं और इधर भी बढ़िया गुलाब चल रहे हैं मेरे। ये देखिए अभी खिलने के कगार पे आ गए हैं सारे गुलाब, विंटर प्लांट। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहे, मस्त रहें और गार्डनिंग करते रहे और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू फ्रेंड।